भारतीय रेल की कार्यशालाओं ने रेलवे विकास के साथ साथ मेक इन इंडिया मुहिम में भी योगदान दिया है। वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क इनमें अग्रणी कार्य कर रही है। 1956 में स्थापित इस कार्यशाला ने कई उपलब्धियां हासिल की और 2014 में विस्तार परियोजना शुभारंभ के साथ ये कार्यशाला अब वैश्विक सहयोग का आधार बन गई है। भारत अफ्रीका संबंधों को और मजबूती देने के लिए भारतीय रेल अफ्रीकी रेलवे मोजाम्बिक को उन्नत रेलवे कोच और डीजल इंजन का निर्यात कर रही है। ये डीजल लोकोमोटिव बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कार्यशाला में निर्मित किए जा रहे हैं। इनमें से 6 300 HP केब गेज AC डीजल इंजन शामिल हैं। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में इनका तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्द ये इंजन मोजाम्बिक निर्यात कर दिए जाएंगे। इनके अलावा 90 केब गेज यात्री डिब्बों का भी अनुबंध किया गया है, जिनका निर्माण भारतीय रेलवे उत्पादन इकाइयां रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO के सहयोग से कर रही हैं। बहुत जल्द भारतीय फैक्ट्री में बने अत्याधुनिक रेलवे कोच और लोकोमोटिव मोजाम्बिक रेलवे की परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाएंगे। पिछले दशकों में भारतीय रेल निर्माण इकाइयों ने निर्माण और विकास कार्यों में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया है। मोजाम्बिक जैसे रेलवे का अनुबंध साबित कर रहे हैं कि भारतीय तकनीक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कर रही है, जिनका श्रेय भारतीय रेल की बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जैसी कार्यशालाओं को जाता है, जिन्होंने अपने लंबे अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर रेल प्रणाली निर्माण में अभूतपूर्व महारत हासिल की है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का आधार बन रही है भारतीय रेल।